बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम की ये दो पट्टियाँ ली हैं और इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 12 इंच है। और यहाँ पे हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसके बाद 1.5 इंच पे एक निशान और लगा लेते हैं और सेंटर में 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब हम इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेते हैं और यहाँ पे इस डिज़ाइन की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये वाला पैटर्न हमने इस तरह से रेडी कर लिया है और अब इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और अब हमने इस तरह से इसको वी शेप में स्टिच कर लेना है। तो इस पैटर्न के नीचे जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा ये फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ सेंटर में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको पलट के इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो इसी तरह से दूसरी पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई बुकरम के ऊपर मैंने लगाई है, दूसरे पैटर्न भी लगा लेते हैं। तो दोनों पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है और अब मेरे पास ये जाली वाली लेस है। इस लेस को हम इस पैटर्न के ऊपर रखेंगे और इसकी आउटलाइन के साथ साथ जो है वो हम सिलाई लगा लेते हैं। तो एक पैटर्न को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है, दूसरे को भी कर लेते हैं। दोनों को स्टिच करने के बाद इस तरह से लेस को हम सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक जोड़ की सिलाई लगा लेते हैं। तो जोड़ पे मैंने सिलाई लगा ली है तो दूसरे पे भी लगा लेते हैं। तो ये वाला पैटर्न रेडी कर लिया है मैंने और उसके बाद फिर से मैंने फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई और लंबाई 2.5 इंच है। इस तरह से इसके ट्राइंगल बना लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से बाकी के सारे ट्राइंगल जो हैं उनको स्टिच कर लेते हैं। तो ट्राइंगल मैंने रेडी कर लिया है, इनको अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद इस तरह से एक नीचे ट्राइंगल रखेंगे कंट्रास्ट उसके सेंटर में सेम, और फिर से एक कंट्रास्ट इस तरह से ट्राइंगल रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो दूसरा पैटर्न भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो दोनों पैटर्न रेडी करने के बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कटिंग कर लिया है और अब हम यहाँ पे ये वाले जो ट्राइंगल है उनको रखेंगे इस वी शेप के अंदर और इसको स्टिच कर लेते हैं। तो इस पैटर्न को हमने स्टिच कर लिया है और उसके बाद ये मेरे पास सितारी वाली लेस है। इसकी आउटलाइन को हम इस तरह से दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है, दूसरे पे भी हम इसी तरीके से लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाला पैटर्न जो है वो मैंने रेडी कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई रेडी हुई है वो तकरीबन 2 इंच में एक सूत्र कम है। और अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो पहला निशान नेक पे हम लगाएंगे 3 इंच पे चौड़ाई में और उसके बाद 1.25 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं और नेक की जो लेंथ है वो रखेंगे 10.5 इंच। यहाँ पे निशान लगा लेंगे और एक निशान चौड़ाई में लगा लेते हैं 1 इंच से एक सूत्र कम। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं इस निशान तक और उसके बाद यहाँ से लेके ये ऊपर वाले निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये वाला पैटर्न इसके ऊपर रखेंगे और इसकी आउटलाइन के साथ जो है वो हम सिलाई लगा लेते हैं। तो जहां तक हमने नेक की कटिंग की है उससे तकरीबन 1/2 इंच नीचे हम इस सिलाई को इस तरह से लगाते हुए धागे को कट करते हैं। तो
तो सेम इसकी दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से इस पैटर्न को स्टिच करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम दो कट लगा लेते हैं दोनों साइडों पे, यहाँ तक हमारी सिलाई लगी हुई है। और उसके बाद इस तरह से नेक को पलट के हम सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ तक हम एक साइड की सिलाई लगा लेते हैं, तो दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक को यहाँ से सेट करेंगे और इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर वाली साइड से, उसको मैंने अंदर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और यहाँ से नेक को सेट करते हुए शर्ट को हम इस तरह से ऊपर कर देंगे। और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी सीधी साइड पे भी सिलाई लगाते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और आज का हमारा जो खूबसूरत सा वी शेप में नेक का डिजाइन है रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।